परपेंडिकुलर एंगल से हमारी फर्स्ट टर्म है टर्म 6.1। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इस टर्म में क्या कहा गया है? कि यदि ट्रायंगल में एक लाइन है जो पैरेलल हो रही है किसी भी एक साइड में, ठीक है, अब इसमें एक लाइन ड्रॉ कर दी किसी भी एक साइड के पैरेलल, जैसे हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ की इसका नाम है डी। हमें प्रूव करना है कि जो डी लाइन है ये ए बी और ए सी को proportionally part ki, that is AD by DD is equal to AE by ECC, ye humne prove kar diya। To is term ka naam kya hai? Line ko aapko yaad karna hai, in a triangle a line drawn parallel to one side of the triangle, theek hai, divide the two sides, remaining two sides in the same ratio। In triangle ABC, ABC triangle में जो DE line है वो क्या है? BC के parallel। प्रूव करना है AD by DB is equal to AE by EC या CC, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, AD बात ये आपको प्रूव है। कोई भी थ्योरम कंस्ट्रक्शन के बिना प्रूव नहीं होती, तो यहाँ पर हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इस C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस तरह इसका कुछ नाम डाल दीजिए, जैसे कि एम, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और उसका नाम एन, और इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दीजिए, दैट इज पॉइंट्स को बी को इसे ज्वाइन कर दीजिए और सी को ए से। तो कंस्ट्रक्शन क्या रही? ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर AC, EN perpendicular, AB join D to E and C to D, D को E से join किया गया और C को E से। पहले आप ऊपर देखिए एक ट्रायंगल ADE, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ट्रायंगल ADE, एरिया होता है हमारा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ये साइड हमारी बेस और इस पर ये साइड हमारी हाइट, तो बेस का नाम ADE और हाइट EN, ये निकला एरिया ट्रायंगल ए डी ई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही इसी तरफ ए डी नीचे एक और लाइन सेगमेंटेड डी ई, इस पर एक ट्रायंगल बनेगी, उस ट्रायंगल का नाम है डी बी ई, दिखाई देगी इस ट्रायंगल का एरिया, एरिया ट्रायंगल डी बी हाफ ऑफ बेस। अब यहां पर जो बेस है वो डी बी हो जाएगा और जो हाइट है वो ई एन, इक्वेशन नंबर सेवन। कोई प्रॉब्लम इतनी बात है समझ में? अब इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दिए,
divide equation first by second. Left को left में लिख दीजिए और right को right. Area triangle A B E divided by area triangle D B D is equal to half of रोहित है कोई क्लास में नहीं आते हैं वो कौन है हाफ ऑफ एडी इनटू ई और सेकंड ट्रायंगल में है हाफ ऑफ बीबी इनटू दोनों में ई एल सेम है कैंसिल दोनों में से हाफ कैंसिल क्या बचा एरिया ट्रायंगल ए बी ई divided by area triangle BDE is equal to AD by DB. हमें बनाना है क्या? ये तो बनाना है AD by DB. अब हमें right में से क्या चाहिए? AE by BC. अब जैसे हमने diagram में triangle इस तरफ से रेडी दी, अब यहाँ पर एक बार तो AE और BC से सेम ऐसे ही हम सारे काम करेंगे. ये बन गई हमारी equation number. अब also जो ट्रेंगल ए डी ई है इसका एरिया क्या होगा? ए डी ई में अगर इस तरफ से रीड करें तो बेस कौन हो गया? ए और उस पर परपेंडिकुलर या हाइट डी एम. इक्वेशन नंबर फोर. तीन टोटल चुके इक्वेशन. अब किसी तरफ से दूसरी ट्रेंगल कौन सी है? डी ई सी. उसका एरिया क्या होगा? डी बी सी का एरिया है हमारा इससे हाफ ऑफ बेस. बेस क्या है और इस ई सी पर परपेंडिकुलर कौन है? डी एम. अब इस दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो. डिवाइड इक्वेशन और बाय लेफ्ट को तो लेफ्ट में लिखेंगे एरिया ट्रायंगल ए बी ई डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल डी ई सी सी इज इक्वल टू 1/2 ए ई इनटू डी एम और इधर 1/2 ए सी इनटू डी एम. हाफ कैंसिल डी एम और डी एम कैंसिल तो क्या बना? एरिया ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ट्रायंगल डी ई सी इज इक्वल टू ए ई बाय सी सी. इक्वेशन नंबर 5 इक्वेशन बन चुकी है. अब हमें करना क्या है? इंपॉर्टेंट थ्योरम है. 80% चांस होते हैं कि ये थ्योरम पेपर में आता है. 70-80% अच्छी थ्योरम है क्योंकि साल को इस थ्योरम हमारी घट गई है तो पेपर में प्रूफ में नहीं आएगी तो इस थ्योरम के अच्छे खासे चांस हैं. ये थ्योरम आपको अच्छे ढंग से करनी है. अब इसको ध्यान से कंपेयर कीजिए. आपको करना क्या है? टू होगी ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई आपको ये दोनों पार्ट इक्वल करना है. तो राइट पार्ट इक्वल तब होंगे जब उनके लेफ्ट पार्ट भी क्या आपस में न्यूमरेटर में दोनों में सेम लिखा हुआ है ए डी ई और ए डी. अगर डी बी ई और डी ई सी भी आपस में इक्वल हो गए तो ये लेफ्ट पार्ट पूरे सेम हो जाएंगे तो राइट पार्ट भी आपस में क्या लिखे जा सकते हैं? इक्वल में लिखे जा सकते हैं. अब यहाँ पर डी ई पर दो ट्रायंगल बनी हुई है. एक तो ये आपकी डी बी ई और एक आपकी डी ई. दोनों डी ई पर बनी है और लास्ट ईयर आपकी एक थ्योरम थी ट्रायंगल्स लाइज ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया. एक ही बेस पर अब इन दोनों ट्रायंगल्स के नाम क्या है? ट्रायंगल डी बी ई एंड ट्रायंगल डी ई सी. डी बी ई एंड डी ई सी लाइज ऑन सेम बेस. बेस का नाम क्या है? डी ई एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन. दोनों
लाइन से पैरेलल भी दी गई है क्वेश्चन में, डी ई पैरेलल बी सी, ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया आपस में इक्वल होगा। सो एरिया ट्रायंगल डी बी ई इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल डी ई सी, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 7। नंबर तक इक्वेशन बन चुकी है। अब दोबारा कंपेयर कीजिए थर्ड इक्वेशन, न्यूमरेटर न्यूमरेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर को किसके इक्वल कर दिया, डिनोमिनेटर डी बी ई इज इक्वल टू डी ई सी सी, तो ये साइड किसके इक्वल है इसके, तो ये साइड भी किसके इक्वल हो जाएगी इसके, फ्रॉम इक्वेशन या कंपेयर इक्वेशन नंबर थर्ड सिक्स एंड सेवन, इन तीनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलता है कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई सी सी, ये थ्योरम आपकी एंड कर सकते हैं। पर इस थ्योरम में कुछ और पॉइंट आगे आपके प्रूव करने आ रहे हैं, क्वेश्चन सेम है, बस क्वेश्चन में क्या कर देते हैं, कहते हैं प्रूव कीजिए यहाँ से ए डी बाय पूरी बड़ी लाइन ए डी, तो यहाँ से क्या लेंगे ए ई पूरी बड़ी लाइन ए सी, ये प्रूव करना ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू ए ई बाय ए सी, इस क्वेश्चन को इतना ही करेंगे। आपको जो छोटा पार्ट बचाना है, क्या बचाना है ए डी, इतना करने के बाद इसमें आगे फर्दर क्या करेंगे, आपको जो भी स्मॉलर पार्ट बचाना आप उसको डिनोमिनेटर में, तो आप दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे, इसके आगे करेंगे। फिलहाल ये आपका क्वेश्चन जितना बुक में थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ तक पहुँच चुका है, डी बी बाय ए डी और ई सी बाय, दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोनों तरफ वन ऐड कर दें, क्या बनेगा ये डी बी बाय ए डी प्लस वन और ई सी बाय ए ई प्लस, एलसीएम लिया तो ये बना डी बी प्लस ए डी बाय ए डी, ये बना ई सी प्लस ए ई बाय डी बी प्लस ए डी, डाइगर आपने देखते क्या बन गया डी बी और ए डी, क्या बन गया ए बी, और यहाँ से ई सी और ए ई को प्लस किया तो ये तो चाहिए ए बी बाय ए डी, ये रहा ए बी बाय ए डी, उल्टा ही लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों साइड का, ए सी बाय ए ई ए सी बाय, अगर ऐसे दे रखा तो ठीक है, थोड़ा उल्टा दे रखा है तो आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, या हम इसको रेसिप्रोकल करके लिख देंगे तो क्या लिखेंगे ए डी बाय ए बी और ए ई बाय, जैसे भी आपको टू टू करना दे रखा हो वैसे कर, अगर ये पार्ट है तो वो इसी थ्योरम से सॉल्व होगा। इससे आगे एक और पॉइंट बन सकता है, वो क्या बन सकता है आपका पॉइंट नंबर थर्ड, वो टू टू का मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, जैसे उसने ए डी दिया वो क्या दे सकता है डी बी, और डी बी के बारे में बड़ी साइड ए बी, और इधर से अगर डी बी लिया तो इधर से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा लिया जाएगा AC, और बड़े वाली साइड ऐसे भी ले सकते, तो अब आपको कौन सा छोटा पार्ट, छोटे पार्ट में से क्या बचाना है, AD बचाना है DB, तो जो आपकी रेशो प्रूव हुई, जो भी आपको स्मॉलर पार्ट बचाना उसको डिनोमिनेटर में रखिए, DB बाय में ही है। अब इसमें फिर से कीजिए एड वन ऑन बोथ साइड, ठीक है, इस इक्वेशन का अभी नंबर डाल देते हैं हम 7 और ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 8, अगर फर्दर सोल्व करना है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 8 को फिर से यूज करेंगे एड वन ऑन बोथ साइड, अब जो हमारा थर्ड पॉइंट बच गया डी बी बाय ए बी, इसी में थर्ड पॉइंट ये भी आ सकता है डी बी बाय ए बी और ए सी बाय, आपको जो लाइन सेगमेंट में से छोटा पार्ट चाहिए
वो आपको डिनोमिनेटर में रखना है। जैसे अब आपको क्या चाहिए डीबी, तो डीबी हमारा उसमें पहले ही कहाँ है डिनोमिनेटर में, तो जो हमारी कौन सी इक्वेशन बनाई हमने इक्वेशन नंबर एट, उसमें फर्दर क्या करेंगे एड वन इन इक्वेशन नंबर एट। Add one on both sides. So the equation number 8 है वो है AB by DB is equal to AE by EC। अब दोनों तरफ one add करते हैं तो क्या लिखा जाएगा plus one और plus one। LCM में क्या जाएगा ये बनेगा AB प्लस डी बी बाई डी बी ए प्लस ई सी बाई ए बी और डी बी को डायग्राम में प्लस करके देखिए जो लाइन सेगमेंट बना वो ए बी और बाई में डी बी, राइट में देखिए ए ई और ई सी को प्लस करेंगे तो ए सी और बाई में क्या है ई सी। आपको क्या चाहिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर डी बी न्यूमरेटर में चाहिए दोनों साइड का रेसिप्रोकल कर दीजिए डी बी बाय ए बी, अगर इसका रेसिप्रोकल किया तो राइट का रेसिप्रोकल ई सी बाय ई सी। ये जो आपके बाद के दोनों पॉइंट मैंने लिखवाए हैं इनको बोला जाता है कोरोलरी ऑफ डी बी टी, ठीक है। मेन थ्योरम हमारी डीबीटी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसमें हमें ये प्रूव करना होता है और उसकी हेल्प से हम ये दो पॉइंट और प्रूव भी कर सकते हैं। इनको नाम दिया जाता है कोरोलरी ऑफ डीबीटी।